हेलो लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है हमारा 30 डेज मेकअप कोर्स का डे 7, जिसमें आप सीखने वाले हो कलर व्हील नॉलेज। यस, मैं आपको सिखाने वाली हूँ कलर व्हील की क्लास, जो कि हमारी बहुत 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 अच्छी क्लास रहने वाली है, जिसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपकी नॉलेज होने वाली है बहुत डीप एंड डिटेल में। आपकी कलर व्हील मैं आपको पूरी तरह से समझाने वाली हूँ। और ये चैनल उन सबको भेजिएगा जो मेकअप आर्टिस्ट बनना तो चाहते हैं बट अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी सारी महंगी महंगी कोर्सेज की फीस होती है। तो ये सिर्फ कोर्स मैं उनके लिए लेके आई हूँ जो कि मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं बट बन नहीं पाते। तो ये मेरा कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें आपको कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, मेरा बेल आइकन को प्रेस करना है, और आपको डेली के डेली 30 डेज का डेडिकेशन के संग मेकअप कोर्स करना है। इसके नोट्स भी बनाने हैं, और जब आप ये नोट्स वगैरह सब बना लोगे तो आपको एंड मिलेगा सर्टिफिकेट। आप देखने वाले हो कलर व्हील की क्लास, आपको क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हमारे पास आए हो तो इसका नॉलेज भी आपको होना चाहिए। ऐसे ही नहीं किसी ने बोला और आपने कर ली। आप कलर व्हील क्लास करने का हमारा जो मेन मोटिव रहता है वो ये रहता है, बेसिकली आप जब भी देखते हो कि इतने सारे कलरफुल आई मेकअप होते हैं कि आपको आई मेकअप करना है और आपको पता ही नहीं है कि आपको कौन सा आउटफिट पर कौन सा आई मेकअप देना है, या फिर आपको ज्वेलरी सिलेक्शन नहीं पता कि आपसे आपका क्लाइंट पूछता है कि मैम मेरी ज्वेलरी का कलर ये है और मैं ड्रेस मेरा ये है तो मैं कौन सा ड्रेस पहनूँ, तो यस, ये आपका ड्रेस सिलेक्शन, आपके ज्वेलरी सिलेक्शन, आपके आई मेकअप सिलेक्शन भी आपके बहुत हेल्प करता है। कलर व्हील के थ्रू आपको पता कर पाते हो आप कि किस ड्रेस पर कौन सा आई मेकअप जाएगा या कौन सी ज्वेलरी जाएगी। तो फर्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी कलर्स के बारे में। तो प्राइमरी कलर्स वो सारे कलर्स जो आपको नेचर से मिले हैं, लाइक रेड, येलो, ब्लू। रेड आपको मिलता है फायर से, येलो आपको मिलता है सन से, और ब्लू मिलता है आपको स्काई से। तो ये सारे के सारे कलर्स हमको नेचर से मिलते हैं, ठीक है, और इन्हें हम बना नहीं सकते। आप डेफिनेशन में पढ़ सकते हो कि ये कलर्स हमारे इनबिल्ट कलर होते हैं और आप इन्हें मिक्स मैच करके भी नहीं बना सकते, बल्कि इन तीन कलर से ही आपको आगे के सारे 12 कलर आपको बनाने होते हैं। तो ये होते हैं हमारे प्राइमरी कलर्स, रेड, ब्लू, येलो। और अगर इन तीन कलर को आप मिक्स मैच करते हो तो ये बनता है आपका ब्राउन के शेड में। तो आपको कभी भी न्यूड लिपस्टिक लगाना होता है, ब्राउन कलर बनाना होता है, तो आप तीनों को आपस में मिक्स करिए, आपको एक न्यूड कलर मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका प्राइमरी कलर। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी कलर्स के बारे में। अब बात करते हैं सेकेंडरी कलर्स के बारे में। तो सेकेंडरी कलर्स वो कलर होते हैं जो हमारे कलर व्हील में हमें मिलते नहीं हैं, हमें बल्कि मिक्स मैच करके बनाने होते हैं। तो प्राइमरी कलर को मिक्स मैच करके आप बनाते हो सेकेंडरी कलर, मतलब 2 प्राइमरी कलर इज इक्वल टू 1 सेकेंडरी कलर। तो आपको समझ में आ गया होगा, प्राइमरी कलर लाइक अगर मैं रेड और येलो को मिक्स करूंगी तो मुझे मिलेगा ऑरेंज, ब्लू प्लस रेड मिलता है हमें वॉयलेट, येलो प्लस ब्लू मिलता है हमको ग्रीन। तो ऑरेंज, वॉयलेट, ग्रीन, ये हमारे हो गए सेकेंडरी कलर्स, ठीक है। अभी मान लीजिए आपके पास, आपकी वैनिटी में आपको रेड कलर मिला है, लेकिन आपको कलर बनाना है आपको ऑरेंज, ठीक है, और आपके पास सिर्फ रेड कलर है, आपको प्राइमरी कलर्स ही हैं और ऑरेंज आपके पास है नहीं, तो आप कैसे बना सकते हो ऑरेंज कलर? रेड और येलो को मिक्स करके आपको ऑरेंज शेड मिल जाएगा, तो आप अपने आई मेकअप में वो भी चूज़ कर सकते हो। अगर आपको ग्रीन चाहिए तो आप सेम करोगे, आप एक ब्रश उठाओगे आई शेडो का आपका ब्लू, दूसरा उठाओगे आप आपका येलो, ये बन जाएगा आपका ग्रीन। तो ऐसे ही आपका बनता है वॉयलेट, आप उठाओगे रेड प्लस आप उठाओगे ब्लू, ये बन जाएगा आपका वॉयलेट। तो ऐसे आप मिक्स मैच करके अपना आई शेडो के कलर्स बना सकते हो, प्लस आप लिपस्टिक भी बना सकते हो सेम इसी टेक्निक के साथ। अब बात कर लेते हैं टेरिटरी कलर्स के बारे में। तो प्राइमरी, सेकेंडरी के बाद नेक्स्ट आता है आपका टेरिटरी कलर्स। तो टेरिटरी कलर्स आपके वो होते हैं, आप डेफिनेशन में देख सकते हो, 1 प्राइमरी कलर एंड 1 सेकेंडरी कलर इज इक्वल टू टेरिटरी कलर। जब आप एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर को उठा के कोई कलर बनाते हो तो वो आपका बनता है टेरिटरी कलर्स। जैसे कि टेरिटरी कलर आपके 6 तरह के होते हैं, रेड ऑरेंज, येलो ऑरेंज, येलो ग्रीन, ब्लू ग्रीन, ब्लू वॉयलेट एंड रेड वॉयलेट। अभी कैसे बने? अगर आपने रेड और ऑरेंज को मिक्स किया तो आपका बना रेड ऑरेंज, येलो और ऑरेंज को मिक्स किया ऐसे बना आपका येलो ऑरेंज एंड सो ऑन। तो आप समझ गए होंगे टेरिटरी कलर्स होते हैं 1 प्राइमरी 1 सेकेंडरी इज इक्वल टू टेरिटरी कलर्स। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ थी। अब ये रेड ऑरेंज क्या होता है? अगर मान लो आपको रेड और ऑरेंज के बीच का कलर चाहिए तो आप इन दोनों को मिक्स करके बीच का कलर बना सकते हो, सिंपल, सिर्फ ये इतनी सी थ्योरी है। अब टेरिटरी कलर्स भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ इसका इतना ही लॉजिक है। अब बात कर लेते हैं हम कलर हारमोनीज के बारे में। तो इन तीन कलर्स के बाद टॉपिक आता है कलर हारमोनी।
तो कलर हार्मनी में पहला टॉपिक आपका होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। अभी कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। कलर व्हील थ्योरी में जो कलर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं या जो कलर एक दूसरे को कट करते हैं या फिर जो कलर एक दूसरे के सामने अच्छे लगते हैं, एक दूसरे का और ऑरा बढ़ा देते हैं, तो वो होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। लाइक एज यू कैन सी इन द पिक्चर, रेड इज अपोजिट टू ग्रीन, पर्पल इज अपोजिट टू येलो एंड ब्लू इज अपोजिट टू ऑरेंज। बिकॉज रेड कलर क्या होता है ना, आपने कभी देखा होगा रेड ज्वेलरी, रेड लहंगा, है ना, तो इनके संग हमेशा ग्रीन अच्छा लगता है। वैसे ही अगर किसी की कोई आपकी हल्दी मेहंदी ब्राइड है तो हल्दी मेहंदी पर आपका अच्छा लगता है पर्पल, ऑरेंज के संग आपका अच्छा लगता है आपका ब्लू, रेड के संग अच्छा लगता है ग्रीन। आप तीनों पिक्चर मैंने डाल दी हैं, आप तीनों में देख सकते हो कि कौन सा आउटफिट किस ज्वेलरी या फिर किस और अदर आउटफिट के संग अच्छा लगेगा। तो ये हो गया आपके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। आपने देख लिए होंगे ऑरेंज कैसे कट कर रहा है आपका ब्लू कलर को, और येलो कट करता है आपका पर्पल को, और ग्रीन कट करेगा आपका रेड कलर को। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। नेक्स्ट हमारा एनालॉगस कलर, ये वो होते हैं जो कि आपके तीन कलर जो कि आपके सेम फैमिली के रहेंगे वो होते हैं आपके एनालॉगस कलर। जैसे कि आपका है आपका ऑरेंज, आपका रेड ऑरेंज और आपका रेड, ठीक है, वैसे ही आपका बनता है आपका ग्रीन, ठीक है, ब्लू ग्रीन और ब्लू। तो ये आपके होते हैं आपके एनालॉगस कलर, मतलब तीन सेम फैमिली के कलर मिलके आपका एनालॉगस कलर बनाते हैं। ये कहाँ काम आता है आपके आपके आई मेकअप को एक डीप शेडो देने में। लाइक आपने मान लो आपने ऑरेंज से स्टार्ट किया, तो आप करोगे ऑरेंज, देन आप करोगे सेम वही चीज़ रेड ऑरेंज, फिर आप एंड में दे सकते हो रेड। तो ऐसे आप अपना आई मेकअप डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका नेबर कलर्स। नेबर कलर आपके वो कलर होते हैं जो भी किसी कलर के आसपास के पड़ोसी कलर्स होते हैं वो होते हैं आपके नेबर कलर्स। अब नेबर कलर आपको मैं दिखा देती हूँ कैसे होता है। जैसे रेड का नेबर होता है ऑरेंज कलर, ऑरेंज का नेबर कलर है रेड और येलो, येलो का नेबर है ग्रीन और ऑरेंज, ग्रीन का होता है ब्लू और येलो, और वॉयलेट का ब्लू और रेड। आप देख सकते हो किसी भी पर्टिकुलर कलर का जो भी दो आसपास के कलर होंगे लेफ्ट और राइट वो होते हैं आपके नेबर कलर्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बिस्से आई मेकअप कैसे कर सकते हो, आप येलो से स्टार्ट करो, बीच में आप दोगे ग्रीन, देन आप दोगे ब्लू, वैसे ही आपको स्टार्ट करना है ऑरेंज रेड एंड वॉयलेट। अगर आपको ग्रीन कलर चाहिए तो आप स्टार्ट कर सकते हो ग्रीन ब्लू एंड देन वॉयलेट। हो गया आपके नेबर कलर्स, और इसमें आपके मैंने आई मेकअप भी आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट आपका आता है मोनोक्रोम कलर्स। अब मोनोक्रोम कलर्स आपके वो कलर होते हैं जो कि आपको डार्क टू लाइट या लाइट टू डार्क करने में हेल्प करते हैं। तो पहला इसमें आता है शेड्स। शेड्स होते हैं आपके, आपको किसी भी चीज़ में अगर शेडिंग डालनी हो तो आप यूज़ करते हो मोनोक्रोम कलर्स का, ठीक है। अब इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, बस आपको लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट का ध्यान में रखना होता है। सेकेंड आपका होता है टिंट एंड टोन। अब टिंट आपके होते हैं अगर आपको किसी भी आई शेडो को, ठीक है, लाइट में कन्वर्ट करना है, तो आपको व्हाइट आई शेडो आपको मिक्स करना होता है जिससे कि आपका कोई भी कलर लाइट देन लाइट देन लाइटर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आपने देखा होगा ना कि आपके बहुत सारे आई शेडोज में आपके व्हाइट आई शेडो होते हैं, तो इसी के काम आते हैं। तो जब आप किसी व्हाइट आई शेडो को किसी भी कलर को लाइट करने के लिए यूज करते हो तो वो होता है आपका टिंट। जैसे ही आपको आपको रेड कलर को लाइट में कन्वर्ट करना है तो आप उसमें व्हाइट मिक्स कर दोगे तो वो पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। टोन होता है आप आई शेडो का ब्लैक कलर, जब आप किसी भी कलर को डार्क में कन्वर्ट करते हो वो होता है आपका टोन। जैसे कि पिंक कलर को आपको रेड में कन्वर्ट करना है तो आप उसमें ब्लैक मिक्स करके आप उसे रेड या फिर व्हाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। ये हो गया आपका टिंट एंड टोन। नेक्स्ट होते हैं आपका ट्रांजिशन कलर। ट्रांजिशन कलर आपके होते हैं वो कलर जो कि आपका एक आई मेकअप, ठीक है, और आपके जो स्किन है आई की उसमें बैलेंस बिठाने में आपकी हेल्प करते हैं। आप देख सकते हो आप कोई भी आई मेकअप स्टार्ट करते हो तो आप ऑरेंज या पीच कलर देके आप उसमें ट्रांजिशन कलर को फिल करते हो जिससे कि आपका कलर कभी भी पैची केकी नहीं लगेगा। वरना आपने देखा होगा आई मेकअप बहुत थुपे थुपे लगता है क्योंकि वो ट्रांजिशन का यूज नहीं करते। जब आप ट्रांजिशन करने लगोगे तो आपके आई मेकअप में कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी और वो ब्लेंडिंग में भी हेल्प करेगा, ब्लेंडेड लगेगा, इसलिए हम ट्रांजिशन कलर का यूज करते हैं। बेसिकली ट्रांजिशन आपका होता है आपके आई मेकअप और आई शेडो में बैलेंस बिठाना, ठीक है।
अब आप कोई भी आई मेकअप करोगे तो आप उसे कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आप पहले देख सकते हो कि हमारा जो इनर कॉर्नर होता है वो होता है हमारा टियर डक, ठीक है। जो आंखों के नीचे की लाइन होती है वो होती है हमारी लैश लाइन, उसमें हम काजल अप्लाई करते हैं। फिर होती है हमारी वाटर लाइन, फिर होता है हमारा आउटर कॉर्नर, इनर कॉर्नर, जो कि मैंने आपको पिक्चर में दिया है। आप उस सबसे एक आई मेकअप करना सीख सकते हो, कैसे आप आई मेकअप कर सकते हो। ये हो गई हमारी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।